इमामे हिंद शब्द राम को भारत विभाजन का गुनाहगार, जिसने भारत विभाजन की पूरी पटकथा लिखी, जिसने भारत विभाजन के नक्शे बनाकर दिए, उस अलबामा इकबाल ने दिया भगवान श्री राम को इमाम की उपाधि है। राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। यानी भारत को डाइल्यूट करने के लिए, जिसने भारत को तोड़ने के लिए पाकिस्तान की थ्योरी गढ़ी, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये लिखते लिखते ये व्यक्ति सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा लिखने लगा। आज संघ का ये प्रिय पात्र है जिसने पाकिस्तान की अवधारणा दी। जिन्ना, अलबामा इकबाल और चौधरी, ये तीन लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की अवधारणा को रखा। पाकिस्तान की पूरी राजनीतिक वैचारिक सोच को अलबामा इकबाल ने रखा। इसी इकबाल ने राम के अस्तित्व को मिटाने के लिए, जब भी किसी के अस्तित्व को मिटाना होता है तो एक प्रयास होता है उसको मिटाने का, और जब वो नहीं मिट रहा हो तो अपनी लाइन खींचने का, बड़ी लाइन, जब वो उससे बड़ी लाइन वो खींच नहीं पा रहा हो तो उसको डाइल्यूट कर देने का। यही काम लेफ्ट इस्लामिस्ट कम्युनिस्ट ने किया कि राम को पहले मिटाना चाहा, वो नहीं मिटे तो उन्होंने अपनी लकीर खींची, बड़ी लकीर खींची, काल मार्क्स से लेकर ईसा से लेकर पैगंबर तक सबकी लकीर, लकीर नहीं बड़ी हो पा रही तो फिर उसको डाइल्यूजन के प्रोसेस में, कि राम तो इमाम थे। इस पर सबसे ज्यादा जो फिदा हुआ वो फिदा हुआ संघ, क्योंकि संघ को भी एक ऐसी चीज की तलाश थी जहां राम के अस्तित्व को छोटा बौना किया जा सके। राम मंदिर आंदोलन में आप कहेंगे संघ आखिर में, जब चुनाव 80 के दशक में वो हार गया, उसकी स्थिति खराब थी, तो चलते हुए आंदोलन को लपक लिया। और उस बाबरी के विध्वंस के बाद अशोक सिंगल जी को टॉर्चर किया, पुस्तक भी है उस पर, 11 समिति की लोगों की कमिटी से बाहर, कोर कमिटी से बाहर फेंका कि हमें बाबरी विध्वंस नहीं करना था, राम का यूज करते हुए वोट लेने थे। ये कि पुस्तक में भी है और ये स्वयं तोगड़िया जी ने मुझे बताया हुआ है। 11 समिति की लोगों की कमिटी थे और अशोक सिंगल जी ने भी कहा था उस समय, उनको कोर टीम से हटाया गया। और बाद में संघ प्रमुख ने खुद कहा, हम अपने अस्तित्व के विरुद्ध गए राम मंदिर आंदोलन। लेकिन जब पैसा हो रहा हो, 5-6 हजार करोड़ लोगों, पूरी दुनिया भारत इकट्ठा करके दे रहा हो, और जब उससे सत्ता मिल रही हो, नाम मिल रही हो, तो फिर जब गांधी, नेहरू और सरदार के नाम पे जब उनको सत्ता मिल जाए, उसका मूर्ति उठ, जब वो पैदा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, तो ये तो राम है, ये तो राम है। इसलिए राम के को उन्होंने धारण कर लिया और राम मंदिर आंदोलन के किसी भी हिंसा में आप देखेंगे, एक अशोक सिंगल जी के अलावा, उनका सर फूटा था, उसके अलावा किसी संघी को कोई जेल का एक लाठी भी नहीं लगी। ये ठीक कांग्रेसियों के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की तरह है, जहां एक भी कांग्रेसी ने को लाठी नहीं लगी, अनशन पे नहीं बैठा। ठीक वही काम राम मंदिर आंदोलन में, कोई संघी नेता, कोई भाजपा नेता जेल नहीं गया, मरे कोठारी बंधु और सैकड़ों राम सेवक। तो उस राम के अस्तित्व को डाइल्यूट करने के प्रोसेस को, और तीर्थ को तो पर्यटन बना ही रहे, उन्होंने अलमामा इकबाल के इस बयान को आगे किया और इसको किया संघ में एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाने वाले इंद्रेश कुमार ने सबसे पहले, पर इमाम हिंद राम, राम को इमाम हिंद के रूप में मार्गदर्शक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और इरफान अली पीरजादे, साजिद खान, अय्यशा सैयद, शकील हिंदुस्तानी, पूरे मुस्लिमों ने, जो अलबामा इकबाल ने राम को छोटा बनाने का प्रयास किया था, वो पूरा मुस्लिम समाज लगा हुआ है, उसमें संघ का सहयोग मिला, इंद्रेश कुमार का। सिर्फ इंद्रेश कुमार का नहीं, संघ के जो सबसे बड़े पसमांदावादी और हंस डिंबक को, यानी समलैंगिकतावादी, जो समलैंगिकता ढूंढ लेते हैं महाभारत में, ऐसे मोहन भागवत ने भी यही बयान दिया। मोहन भागवत का बयान देखिए आप, मोहन भागवत का भी यही बयान है, डिस्क्राइबिंग लॉर्ड राम एज इमाम हिंद। ये आप अचानक मत सोचिए, ये बहुत सोची समझी, और ये बिल्कुल कम्युनिस्ट संस्था है,